सत्य के लिए डट कर खड़े रहना, अपना मस्तक तक कटा देना वीरता है। और पाखंड के लिए झूठ का साथ देना कायरता। सैकड़ों टन स्वर्ण का मूल्य भी सत्य से बढ़कर नहीं है। तुम्हारे पुरखों ने इस मंदिर और न जाने कितने और मंदिरों के आभूषणों को बिना विचलित हुए प्रभु के चरणों में लगा दिया। वो आज किलो दो किलो स्वर्ण की चोरी का आरोप अपने सर पर ले रहा है। तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा, उनके पिता, न जाने कितने और लोग जिन्होंने अपनी कला से हमारे मंदिरों की सेवा की, हमारे मंदिरों को सजाया संवारा है, और जिनके ईमान को प्रभु ने कभी टिकने नहीं दिया, वो आज शपथ लो अपनी कला की, शपथ लो अपने पुत्र की, कि तुमने इस पवित्र मंदिर की गरिमा को नष्ट करने का प्रयास किया है। अगर ऐसा है तो आज के बाद कोई भी धर्मी इस मंदिर में पांव नहीं रखेगा। यह मेरी शपथ है। अरे काहे रोक दिए हैं? अरे क्या आगे से आगे यही है सर। वाह, अद्भुत, एकदम से हृदय निकाल कर रख दिया है। कितना सुंदर है ये। शुक्रिया। कृपा होगी।
प्राण प्रतिष्ठा कब है? प्राण प्रतिष्ठा? जी वही। शीघ्र ही रामनवमी के दिन सबके लिए कपाट खुल जाएंगे, आना अवश्य। संसार के लिए प्रभु की इस लीला को जानना भी आवश्यक है। कोशिश करेंगे। एक दो मंदिरों के बयाने और लिए हैं, काम काफी है और पूरा करना है, फिर भी वक्त मिला तो जरूर आएंगे। नमस्ते। चमक फीकी पड़ने लगेगी तो पॉलिश करने तो आओगे नहीं? मेरी जरूरत अब नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। प्रभु की चमक अब टस्सेमस नहीं होगी। नमस्ते। प्रसन्न है प्रभु? بالناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس اے میرے مومن بھائیوں، میرے مسلمان دوستوں، اللہ کا خوف دل میں بنائے رکھو، اللہ سے ڈرو۔ اگر اللہ سے آپ ڈرو گے، اللہ کے ڈر میں آپ نے ایک قطرہ آنسو بہایا، بھلے وہ قطرہ مکھی کے منہ کے برابر ہو، वो आपको दोजख की आग से दूर रखेगा। नमाज पढ़ो, नमाज के पाबंद हो जाओ, और मेरे मोमिन भाइयों जन्नत की किताब खरीदो। इसलिए मोमिन भाइयों नमाज की पाबंदी रखिए, कब्र के अंधेरे से डरिए, जन्नत की किताब खरीदिए। 100 रुपया 100 रुपया 100। जन्नत की किताब खरीदो। उठो 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 उठो, बेदार हो जाओ। दुनिया की नहीं, आखिरत की परवाह करो। अल्लाह फरमाते हैं कि एक रकत नमाज के बदले रुपया। जन्नत की किताब, जन्नत की किताब, जन्नत की किताब। 100 रुपए 100 रुपए। मस्जिद की इमदाद, मस्जिद की इमदाद, मस्जिद के लिए इमदाद करके जन्नत में आला मकाम हासिल कीजिए। अम्मी अम्मी। अरे कैसा है मेरा बच्चा? अच्छा हूँ। निहारी खा रहा है ना अम्मी के हाथ की खूब? हाँ। ये लो जन्नत की किताब। सलाम अलैकुम। तक नजरें छुपाते रहेंगे, घुट घुट कर जीते रहेंगे। इतनी तकलीफ हो रही है तो बात क्यों नहीं कर लेते? पता नहीं समद मुझे माफ करेगा या नहीं। हो सकता है वो भी यही सोच रहे हो। समद भाई का दिल इतना भी छोटा नहीं है। पहुंच गए भाई। समद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। समद भाई सलाम वालेकुम। अरे खुर्शीद भाई वालेकुम अस्सलाम। आपने तो कमाल कर दिया समद भाई। बस अल्लाह का करम है, पूरे मोहल्ले को हक की राह दिखा दी आपने, माशाल्लाह। चलिए अल्लाह हाफिज़। शाम को मस्जिद में मिलता हूँ।
काफी इज्जत कमा ली है तुमने। इज्जतो मन तो शाओ, जिल्लतो मन तो शाओ। इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, हमने तो सिर्फ राह चुनी है। अब कौम की हालत तो तुम देख रहे हो, कोई रहनुमा नहीं है, इसीलिए तो भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमने तो सोच लिया है कि इंशाअल्लाह अब बस कौम की और मजहब की दोनों की खिदमत करनी है। आओ। सही बात है। सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से हम इसे दाखिल कर रहे हैं मदरसे में। बेटे तुम भी समद की तरह बनना, खूब पढ़ना, मदरसे और मोहल्ले का नाम रोशन करना। इनायत मौली साहब, जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाओ। फी अमान। फी अमान अल्लाह। फी अमान। सलाम अलैकुम। खुश रहो बेटे। हो गया ना। चलो बाबा। मेरा गुड्डा खुश। हाँ। हो गया दाखला। बेटे देखो, हमने तो अपना फर्ज निभा दिया, अब पढ़ो, हाफिज बनो, अब्बा और कौम का नाम रोशन करो। ठीक है, जाओ खेलो। भाई बहुत बड़ा एहसान है। एहसान का है, घर की तो बात है। तुम्हारे बेटे को नहीं, अपने बेटे को दाखिला कराया है। मस्जिद आओ कभी। पूरी बन गई माशाल्लाह, शानदार बनी है, लोगों ने दिल खोल के इमदाद की है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से राह राज पर चले हैं, बड़े बड़े लोग इज्जत से बुलाते हैं। वो तो है। अच्छा चलते हैं, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आइए मैडम आइए, यहीं पर काम कर रहे हैं अल्लाह भाई। मंदिर तो बहुत पुराना है। अरे अल्लाह भाई, ए अल्लाह भाई, अरे अखबार से आपसे पत्रकार मिलने के लिए आई है भैया, आपके बारे में खबर छापनी है। कितना सुंदर बना है, पता नहीं, देखते हैं। बाहर आइए अल्लाह भाई। अरे बाहर आइए भैया। अरे अल्लाह भाई, ए अल्लाह भाई, बाहर आइए अल्लाह भाई। सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी साहब, तो शुरू करें। एक सेकंड। जी। तो सिद्दीकी साहब, कब से हैं आप इस प्रोफेशन में? जी, प्रोफेशन में मेरा मतलब, कब से इस पेशे में हैं आप? अच्छा, ये तो पुश्तैनी काम है जी। हमारे बाबा यही करते थे, उनके बाबा यही करते थे, उनके बाबा के बाबा, मतलब पीढ़ियों से यही काम है। मंदिर में कारीगरी करना बड़ा काम है, लेकिन आपको कभी अजीब नहीं लगा? अजीब क्यों लगेगा? अजीब मेरा मतलब, आप मुसलमान हैं, आपका मज़हब अलाउ करता है इस बात को? अलाउ? अलाउ मेरा मतलब इजाज़त देता है। कुरान शरीफ में तो कहीं नहीं लिखा कि दूसरे के मजहब का काम नहीं करना चाहिए। उल्टे हमारे बाबा तो कहते थे कि दूसरे के मजहब का काम करना और भी ज्यादा सवाब का काम है, अल्लाह खुश होता है क्योंकि इससे भाईचारा बढ़ता है। आपके लोग कभी इस बात को लेकर आपका विरोध करते हैं? विरोध? विरोध से मेरा मतलब परेशान करना, फतवा देना कि ये काम गलत है, वो क्या कहते हैं ना, हाँ हराम है। नहीं नहीं, मतलब ऐसा कभी, मतलब ऐसी नहीं नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। अच्छा, सोना चोरी की घटना हुई थी कुछ महीने पहले मंदिर में, उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वेदांती जी ने तो कुछ भी कहने से मना कर दिया। उड़ती उड़ती खबर जरूर आई थी कि मंदिर का सोना जो कारीगरों को काम के लिए दिया जाता है, शायद वहीं से कुछ गड़बड़ हुई थी। हम जैसे लोगों को तो पता ही नहीं था कि आप लोग मंदिर के लिए इतना काम करते हैं। अरे घबराइए नहीं सिद्दीकी साहब, आप जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। आपके बारे में मैं सब अच्छा ही लिखूंगी, लोग भी जानेंगे,
जिनके लिए उनके दिलों में इतनी नफरत फैलाई जाती है वो लोग उनके लिए क्या कुछ नहीं करते। हमारा तो छोटा सा अखबार है, पर एक बार आपका इंटरव्यू छपेगा तो बड़े बड़े अखबार और चैनल्स पे आके चर्चे रहेंगे। हमारे अखबार में आपका इंटरव्यू छपेगा तो एक कॉपी मैं आपको ज़रूर दूंगी। जी नमस्ते। अरे अरे कहाँ चल दिए सिद्दीकी साहब, अभी असली काम तो बाकी है। अरे गुरुजी कैमरे ही देखते रहेंगे या इनका फोटो भी लेंगे? आपके आशीर्वाद से टिकट कंफर्म हो गया बाबू जी। विजयी भाव, माँ गंगा की कृपा हुई है, सूची लेकर पार्टी प्रमुख स्वयं आने वाले हैं। एक बार उनका आशीर्वाद मिल जाए फिर अपने लोगों की सेवा करेंगे। सौहार्द सबसे महत्वपूर्ण है। राजनीति आवश्यक है लेकिन धर्म की नहीं, कर्म की। सबको अपना समझो। प्रत्येक मानव को ईश्वर ने बनाया है, जब वो भेदभाव नहीं करता तो हमें अधिकार क्या है।